Hi guys, welcome back to day 56. Yeah, today is chest and shoulders. How is it gonna be? Chest ka bench ka set hai mere, which is 100 pe ek rep and मैं भूल गया दूसरा, बट टू सेट्स ऑफ 9 रेप थे 85 पे. तो यार इजी है, कर लेंगे आराम से. अब पता चल गया कि 80 पे बढ़िया आए 10 रेप, तो आई कैन गो फॉर इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, बेंच करते ही मैं ट्राई करूंगा कि मैं OHP करूं, तो फिर हम यही करेंगे. उसके बाद साइड एक्सरसाइजेस, तो बाकी देखेंगे जिम में कैसा फील होता है. ठीक है, सीधा जिम में मिलते हैं, आके बात करेंगे. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around and Sin City's cold and empty. No one's around to judge me. I love you.
कैन सी मी, थोड़ा ऊंचा ऊंचा हो जाता है, बट थोड़ा मुझे ना ऐसे बात करने में बढ़िया लगता है. जस्ट हैड अ फुल बाउल ऑफ ट्रेन. ठीक है, अब ट्रेन के इंग्रेडिएंट्स थे 7 to 8 eggs क्योंकि उतने ही बचे थे, और 500 grams ऑफ राइस और थोड़ी सी दाल. मुझे उसकी क्वांटिटी नहीं पता, मम्मी ने डाल दी थी जस्ट फॉर टेस्ट, तो बढ़िया था, मैंने खा लिया. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सुबह पिया था बढ़िया शेक विच वॉज अराउंड 1200 or 300 calories. देन आई वेंट टू द कॉलेज, कॉलेज से आके मैंने खाया ऐसी कुछ भी, बट आज की इतनी अच्छी कैलरीज नहीं ली मैंने. हाँ, हाउ वाज टुडेज वर्कआउट? भाई आज की बेंच अच्छी थी, बस हाँ एक स्टूपिड डिसीजन लिया मैंने. तभी कहते हैं कभी भी अपने ऑफ प्रोग्राम मत जाया करो, अगर तुम कैसा भी फील करो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. ठीक है, आज मुझे लेना था 100 पे एक सिंगल रिप, फिर उसके बाद थे मेरे 85 पे 2 sets of 9 rep. मेरे जो 100 आया ना, बहुत आई फील लाइक कि क्लोज ग्रिप पे इतना अच्छा 100 आया कि मैं सोचा 110 ले लेते, बट वो 110 लेने के चक्कर में मैंने रिस्क कम करा. आई लाइक कि मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं, मैं सीधा लूंगा, क्योंकि अब उससे पहले सेट में भी मैं यही कर रहा था, बट मैं ना रेस्ट लिया ना, मैं इतना ध्यान दिया, मैं ले लिया. बट हाँ, आई बॉट इट नियर दिस, तो ठीक है मैं ले लूंगा थोड़े टाइम में, बट आगे से मैं जैसा भी फील करूंगा मैं भी नहीं जाने वाला. फिर मैंने ड्रॉप बैक ऑफ सेट्स लिए 85 के 2 sets of 9 reps. तो बढ़िया है भाई ये प्रोग्राम, मुझे पता है क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बैक ऑफ में रेप्स इतने हायर उस पर रेंज पे है ना, और मैं इस हायर रेंज पे बहुत कम ट्रेन कर रहा था बहुत टाइम से, तो काइंड ऑफ मैं अपनी मसल को भी ट्रेन कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ 9, 9, 10, 10 reps. तो 85 के मैंने पहली बार 2 sets लिए 9 reps के, भाई दैट वेंट नाइस, तो मजा आया इसमें. फिर हमने की सीधा ओवर हेड प्रेस. अगर तुमने देखा हो आज मैं चेस्ट सिर्फ बेंच ही करी है, एंड आई नो मैं कल सोर रहूंगा, तो मैं अपने बॉडी के फील पे डिपेंड करके ट्रेन करता हूँ कि हाउ आई फील टुडे. मैं सोचा कि आज मैं ओवरहेड प्रेस पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, तो बढ़िया मैंने उसके 4-5 sets करे, और फेस पुल्स क्योंकि रेयर डेल्ट मेरे वीक है, तो आज मैंने एक एथलीट है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, तो उसने मतलब मुझे रील आई थी, उसने बताया था अगर तुम फेस पुल रोप से करते हो तो रोप को अपने फिंगर से पकड़ो एंड ट्राई टू यूज योर एल्बो. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन अपना ध्यान तुम अपने ट्रैक्स पे रखो, तो ये चीज सही थी. आज मैंने वेट फेस पुल्स पर कितना लिया होगा, 15 या 20 kgs और मैक्स 30 kgs, बट जब मैं उस उंगलियों से पकड़ रहा था ना, तो आई कुड फील माई ट्रैप्स. भाई मेरे रेयर डेल्ट बहुत बढ़िया ट्रेन हुए, और मुझे ऐसे दर्द भी हो रही है अभी OHP की वजह से. ओवर हेड प्रेस बहुत बढ़िया है भाई, तो आज मैं हैवी नहीं किया ओवर हेड प्रेस पे. आज मैंने लिए 50 पे 2 sets of 7 to 8 reps. मेरे को लग रहा है सेकेंड सेट में 10 reps आए थे, बट वो अंकल सामने आ गए ना, क्या बोलते, तो मैं गिन नहीं पाया और मुझे याद भी नहीं, जो भी है. फिर मैं थर्ड सेट लिया था आई गेस अराउंड 40 kgs का, उसके रेप्स में भूल गया, बट वो भी बहुत बढ़िया आया था. एंड देन वी डिड फेस पुल्स वेंट नाइस, और मैंने बस इतने ट्रेन करा. मैंने आज 4 arms ट्रेन करे, विच आर गेटिंग बेटर. ठीक है, बेटर. हाँ, तुम्हें अपने साइड एक्सरसाइज करने चाहिए, साइड मसल को भी ट्रेन करना चाहिए, उन्हें नेग्लेक्ट मत करो. और आज का वर्कआउट गया 10 में से 7, बढ़िया था भाई, बेंच अच्छी गई मेरी, फिर ओवर हेड प्रेस भी अच्छी गई. एट द एंड ओवर हेड प्रेस इज अ ग्रेट एक्सेसरी, अ ग्रेट वे टू इंक्रीज योर बेंच. तुम जब भी खड़े होके ओवर हेड प्रेस करोगे ना, तो तुम्हारे कोर स्टेबलाइज, तुम्हारे बॉडी बैलेंस, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारी ब्रीथिंग बेटर है, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी पर प्रेशर पड़ेगा रॉड उठाते ही, तो एक तो तुम्हारा कोर इतना ज्यादा यूज होगा, और स्टेबिलिटी के लिए तुम अपने पैरों को भी पूरा यूज करने वाला. अब झुकना मत, वो चीज मुझे नहीं पसंद ओवर हेड प्रेस पे. और द मोमेंट यू पुश इट अपवर्ड्स, ठीक है, ट्राई टू यूज योर ओवर हेड पे बेंच वाली ग्रिप, ठीक है, और उसे ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे अंगूठे को ऊपर रख लो, दैट वेंट नाइस. तो एक तो तुम ब्रीदिंग को इतना यूज करोगे ना, एक तो पेट में ना हवा भर लेना, जैसे ऊपर जाओ हवा ले लो, नीचे आओ हवा ले लो, ताकि तुम ब्लैकआउट ना हो. पर बढ़िया है ओवर हेड प्रेस, तुम्हें बहुत तुम्हारी बॉडी को बहुत स्टेबल करेगी, तुम अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाओगे हर एक मोमेंट्स पे. तभी ओवर हेड प्रेस में भी जैसे हम नीचे आते हैं हमें ऊपर प्रेस करना है, तभी जैसे हम बेंच में अगर नीचे जाएंगे और अगर हमारी प्रेसिंग मूवमेंट अच्छी होगी, तो हम बेंच में भी वापस पुश कर पाएंगे, जो कि यहीं पे मैं लैक करता हूं, क्योंकि वो वेट मेरे को हैवी लगता नहीं है, बट द मूवमेंट आई कम डाउन मैं उसे प्रेस बैक नहीं कर पा रहा.
इसी पर ध्यान देना है। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। कुछ ना कुछ नया आने वाला है जल्दी ही वीडियोस में, तो लगे रहना वीडियो देखते रहो, वही 5-6 लोग देखते रहे, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, बाय बाय।